लॉकडाउन के कारण दिल्ली की यमुना खादर में रहने वाले परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के कारण कुछ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकारी मदद फिलहाल दूर है, अब ऐसे में परिवारों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब गुजारा तो करना ही करना है, क्या करेंगे, थोड़ा खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, कुछ भी है जो है उसी में गुजारा है, क्योंकि खेतों का हाल ये है आपके सामने, इसमें कहने वाली बात नहीं। ये तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये नज़ारा कितना सुंदर है। लाल, पीले, सफेद कितने ही रंगों के फूल हैं। यहाँ रहने वाले लोग प्रकृति की इस खूबसूरती का पूरा आनंद लेते होंगे। जिंदगी फूलों की तरह खिली खिली सी रहती होगी, लेकिन आप गलत हैं। ये तस्वीर जितनी सुंदर और मनमोहिनी है, एक दूसरी तस्वीर उतनी ही चिंतित करने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली। एक टपरी में चूल्हा बना हुआ है। आप इस चूल्हे को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ की दशा, सामान किस तरीके से तितर बितर पड़ा हुआ है। एक अन्य तस्वीर में एक महिला अपनी टपरी या यूं कहें कि अपने घर की दहलीज पर खड़ी है। शायद ये महिला मदद के लिए रास्ते की ओर देख रही है। पास ही चूल्हा बना हुआ है, लेकिन इसे देखने से पता लगता है कि यहाँ कभी कभार ही खाना बनता होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा इलाका है जहाँ लोग इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इलाका यमुना खादर का है, जो ईस्ट दिल्ली के यमुना बैंक से सटा हुआ है। लोग किसी तरह फूलों और सब्जियों की खेती कर अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन क्या हुआ, इनका तो सब कुछ लॉक हो गया। अब करें तो क्या करें, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ तक नहीं हो पा रहा। जैसे साग सब्जियों की खेती होती है, थोड़ी बहुत नर्सरियां हैं, और यहाँ पे बस ऐसा ही छोटा मोटा काम होता है, यही सब काम करके हम लोग गुजर बसर करते हैं अपना। गुजारा ऐसा है, अब गुजारा तो करना ही करना है, क्या करेंगे, थोड़ा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, कुछ भी है जो है उसी में गुजारा है, क्योंकि खेतों का हाल ये है आपके सामने, इसमें कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो गुजारा यही है कि थोड़ा बहुत जो है आदमी जो हम लोगों के हैं वो बाहर जाके थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते थे, अब लॉकडाउन के दौरान तो बिल्कुल बंद है। सुविधा कुछ नहीं, कभी कभी वो शाम को खिचड़ी मिल जाती है, वो भी थोड़ा सा, इसमें आदमी कैसे गुजारा करे। ठीक है, तो फिर आप लोग कैसे, मतलब आप से... हम बस वही है कि किसी तरह से काम चल रहा है, कोनो तो है नहीं यहाँ, ना रोजगार है ना कुछ है, सब तो। सरकार ने कहा था कि लोगों को राशन की कमी नहीं होने देंगे, हर घर को राशन मिलेगा, लेकिन ये वो कोना है जहां सरकार का राशन नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार क्या, किसी और की भी मदद यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। पड़ोस के इलाके में राशन बंटने के लिए आता है, लेकिन यहां नहीं। यहाँ पे कुछ का नहीं आ रहा, कौन सुविधा आ रहा, पल्ली तरफ आ रहे उधर पे, दो दो बार बढ़ गए थे, इधर भी नहीं आए थे, इधर कोई नहीं आता। कल आया था उधर पुस्तक पास में बढ़ के चला गया था 40 आदमी को, फिर इधर हमारे लोग की तरफ आया भी नहीं, हम लोग भी गए थे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। बोले जिसका जिसको नाम बना है उसी उसी के मिलेगा, नहीं मिलेगा हमारे लोग का, जो हम लोग को पता चलेगा तब तो लिस्ट बना जाएंगे। जब टोटल टीवी की टीम यहाँ पहुंची तो लोग घरों से बाहर निकल आए। लोगों को लगा कि आखिर सरकार पहुंची गई, अब तो राशन मिल ही जाएगा। लेकिन जब असलियत लोगों को पता लगी तो लोग फिर से घरों की ओर लौटने लगे। शायद मदद का इंतजार अभी और लंबा है, रोजगार है नहीं। जितना कुछ जमा था, राशन था, पैसे थे, सब खत्म हो चुके हैं, अब तो मदद का इंतजार है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो नर्सरी में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं वो। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं अलग अलग तरह के नर्सरी है यहाँ पे, जहाँ से फूल वगैरह के जो भी पौधे हैं वो पूरी दिल्ली और आसपास में सप्लाई होते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की स्थिति है यहाँ पूरी दिल्ली में, और यहाँ पर क्या हालात हैं उन लोगों से मिलते हैं और जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सीताराम। ये बताइए, यहाँ पर लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या सब? बहुत दिक्कत है, खाने पीने का कोई चीज़ आ नहीं रहा है, सब जो अपना दो चार पैसे रखे रहे हैं वही से राशन पानी ला के अपना खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं, रास्ता नहीं चालू है कि कुछ पब्लिक गांव चले जाएं अपना। यमुना खादर में कई परिवार रहते हैं, लेकिन
अब इनके सामने दो वक्त के खाने का संकट खड़ा हो गया है। इस संकट की घड़ी में टोटल टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप इस तरह के लोगों की मदद करें जो इस समय बेरोजगार हैं, परिवार के सामने भरण पोषण का संकट है, देश में कोरोना का संकट है, ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। दिल्ली से मथुरेश कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।